कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोरोना वैक्सीन पर जीएसटी को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला। दरअसल केंद्र कोरोना टीकों पर राज्यों से 5% जीएसटी ले रही है। राहुल गांधी ने इसका विरोध किया है। इससे पहले राजस्थान और छत्तीसगढ़ सरकार भी टीकों पर जीएसटी लगाए जाने का विरोध कर चुकी है। राहुल गांधी ने ट्वीट में क्या लिखा है आपको बताते हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा, जनता के प्राण जाएं पर पीएम की टैक्स वसूली ना जाए। इस ट्वीट के साथ उन्होंने हैशटैग जीएसटी का भी इस्तेमाल किया है। आपको बता दें, एक दिन पहले ही राहुल गांधी ने लॉकडाउन को लेकर सरकार पर निशाना साधा था। राहुल गांधी से पहले कांग्रेस शासित राज्यों ने भी कोरोना वैक्सीन पर जीएसटी वसूलने का विरोध किया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नाकामी और केंद्र सरकार की जीरो रणनीति की वजह से देश पूर्ण लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि पूर्ण लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए गरीब लोगों को आर्थिक पैकेज दिए जाने की जरूरत है। आपको बता दें, सरकार ने विदेशों से आने वाली कोरोना वैक्सीन पर तो जीएसटी हटा दिया है, लेकिन देश के अंदर ही वैक्सीन की खरीद पर अब भी जीएसटी लिया जा रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से कोरोना की वैक्सीन पर 5% जीएसटी लिया जा रहा है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।